हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय राम जी की। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं भगवत का जोड़। तो भगवत का जोड़ कैसे करते हैं, कैसे करना होता है, इसमें क्या करें, कैसे जोड़ते हैं जे, तो हम आपको इस वीडियो में सब बताना चाहते हैं। तो वीडियो में बना रहें और लास्ट तक वीडियो देखें, पूरा पूरा वीडियो देखो तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो अगर थोड़ी आपको वीडियो में हेले, वीडियो तो हेलेगा ही, कैसे हम हाथ में पकड़े हैं मोबाइल, तो हाथ में लें, हाथ में लेके मोबाइल वीडियो बनाएंगे, एक हाथ से बनाएंगे, एक हाथ से लिखेंगे, तो इसमें आपका हमारा मोबाइल भी हलेगा, मतलब कैमरा हलेगा, तो वीडियो भी अच्छा नहीं होगा रिकॉर्ड। तो दोस्तों आपको देखो, वीडियो को शेयर जरूर करना है, इतनी मेहनत हम आपको लाने कर रहे हैं, तो आप लोगों को शेयर जरूर करना है। देखो अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भगवत का जोड़ सिखाना चाहते हैं। वो जोड़ते कैसे हैं, क्या करना होता है, इसमें क्या याद रखें जोड़ने के लाने, बस एक सिंपल सा फंडा है, मतलब एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको वो याद रखनी है, ठीक है। मतलब क्या है वो, समान पद भवचर, समान पद आपको देखे उनको जोड़ सकते हैं, उनके गुणांकों को जोड़ सकते हैं। देखो जिसका समान पद हो, समान पद का मतलब होता है उसमें चर भी समान भाव चाहिए, घात भी समान भाव चाहिए, तो दोनों में समान भाव चाहिए, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जब आपको लिख भी तो समझाने की कोशिश भी कर भी, तो तब आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखते दो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है आपका, देखो क्वेश्चन है आपका बहुपद 3a + 7ab, तो माइनस के 9a² तो यहाँ पर प्लस का 3 है, इधर चिन्ह कुछ नहीं होता, तो भाई प्लस ही का है यहाँ पर, क्या प्लस का चिन्ह होता, देखो यार कुछ नहीं हो तो यहाँ पर प्लस ही का चिन्ह होगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह 3a और यहाँ पर प्लस का 7a, इनका चिन्ह हमेशा आगे होता है, इसका चिन्ह देखो यहाँ पर, इसका चिन्ह ये आगे, 3 का यहाँ पर आगे है और 7 का तुम्हारा आगे है, 9a² का ना आगे है माइनस चिन्ह, इसलिए 3a² यहाँ पर भी है, 3a² तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, आगे चिन्ह होता प्लस, कुछ चिन्ह ना होता प्लस ही होता है, अगर माइनस होता तो यहाँ पर लगा होता, प्लस का है इसलिए यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस के 3a² + 6ab माइनस के 18ab, तो 18 का चिन्ह जो है 6a का जो है और 3a² का जो प्लस का, तो ये चिन्ह भी आपको पता चल गया, ठीक है, इतना चल गया पता। तो देखो अब आपको जोड़ना है इस बहुपद को, एक बहुपद जो है आपका, एक बहुपद जे है आपका दूसरा, तो इस बहुपद को आपको इसमें जोड़ना है, मतलब मिलाना है, मिक्स करना है, तो भैया इनको जोड़ना है इसमें, तो भैया पहले इसको बहुपद को पूरा जहें का तह लिख दें, तो वैसे आपका जो 3a लिखा है तो इसमें 3a पहले लिख देंगे, ये थोड़े चलेगा नहीं, क्योंकि ये कुछ देर खुला रखा गया, बना ऐसे ले रहे हम हाथ में तो थोड़ी डिस्टर्ब करेगा चलवे में, तो इसको पहले 3a जहिंगा था ही 3a, फिर आपका प्लस के 7ab, 7ab माइनस का 9a², ठीक है जी, हमारा a बना होता है, देख ध्यान रहे कि जी हम a बनाते इस प्रकार से, ठीक है, a² यहाँ जी इसका चिन्ह क्या था, प्लस, ध्यान रखना चिन्ह क्या है, प्लस, ना ध्यान रहा तो यहाँ पर लगा भी दिया प्लस का है, ठीक है। अब आपको ये वाला पद लिखना, इनके पद ऐसे बिठाने अपन को, मतलब यहाँ पर ऐसे लिखने, इसके नीचे समान पद के नीचे समान पद, जैसे इनकी शकल है पीछे की चर राशि की, a की घात कितनी है 2, तो a की घात वाली 2 इसमें ढूंढना है, यहाँ पर दिख रहा है इसमें और कहीं तो है नहीं, a की घात 2 यहाँ पर, तो प्लस का आता है प्लस का 3a², ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अब आपको इसमें देखो इसका है, अब इसमें से कौन मिला, यहाँ पर 6ab वाला, तो 6ab वाला रख देंगे दूसरे नंबर पर, प्लस का कितना आएगा, प्लस का देखो 6ab, इसके पीछे भी है ab, इसके पीछे भी है, दोनों में ab है, तो इसका यहाँ पर लिख देंगे नीचे 6ab, तो अब आपका a इसमें लगा, a इसमें, तो जे देखो समान है, एक जैसे समान पद है, तो इनको भी इसके नीचे लिख देंगे माइनस का चिन्ह उसका, तो माइनस का 18a, देखो भाई ये चिन्ह कहाँ से आया, चिन्ह हमने बताया था आगे होता, चिन्ह माइनस तो क्या था 18a, माइनस का 18 था, तो यहाँ चिन्ह किसका 18 का था, चिन्ह तो माइनस, अब यहाँ पर जोड़ करना है, तो भैया ऐसा सिंपल से करते हैं अपन, जोड़ के लाइन लगा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो अब जोड़ने हैं अपन, हाँ तो बढ़िया वीडियो लास्ट तक देखने, और दोस्तों के लिए, दोस्तों के पास जब तक शेयर कर दो आप लोग,
दो अपने अपने फ्रेंडों के पास भेज दो, क्योंकि जिससे नहीं बनता है ना वो भी सीख जाए। जैसे आपके मित्र से नहीं बनता तो उनके पास वीडियो जरूर भेज दो, क्योंकि हम सिंपल ही भाषा में बता रहे हैं आपको, जो अपन लोग बोलते हैं उसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जोड़ पे मैं यहाँ पर जोड़ना है तो इनको जोड़ने हैं। अब जोड़ेंगे जैसे उनका चिन्ह होगा। अब यहाँ पर देखो जोड़ने तो अब चिन्ह सब रहे, प्लस प्लस कर दोगे चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो माइनस, तो वो चिन्ह यहाँ पर आपका बताना चाहते हैं। अब इनको जोड़ना है तो जो जोड़े तो हैं लेकिन अपनों जोड़ भी को तो काम है, एक जने माइनस के एक जने प्लस के, तो क्या होगा भाई माइनस प्लस का होगा होता है तो जब क्या होता है माइनस प्लस में क्या होता है घटाना, तो ये आपको ध्यान रखना माइनस की हो एक संख्या एक प्लस की तो क्या होती है घटते हैं। यहाँ पर तो चार अचार हैं तो वहाँ सॉरी चार चार संख्या राशियाँ हैं तो माइनस प्लस में तो घटेंगे, तो यहाँ पर किस में से घट रही है देखो माइनस में से, प्लस में तो घटा नहीं सकते प्लस की बहुत छोटी है, माइनस में से अपन घटाने की कोशिश करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा भाई, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह लगाने। अब यहाँ पर घटा रहा है अपन माइनस में तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे ना, तो माइनस का लगा दिए, और 18 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई साहब 15 बचेगा, और जी तुम्हारे पाँच से क्या लगे 14 से जल्दी जंग बन लगी रहेगी। ये तो आपको जेंक के तीन लगने, इनकी गुणांक घटाने बस है, गुणांक 18 में से 3 गया, गुणांक जी संख्या लिखी है तो ये कहलाते हैं गुणांक, संख्यात्मक रूप लिखें एक एक गुणा में संख्यात्मक संख्या लिखें बेगुणांक कहलाते हैं, तो जी 15 ए बचा 18 में से 3 गया 15, तो ऐसा समझना कि 18 ए में से 3 ए गया सो कितने बचे 15 ए, ऐसा समझना ठीक है, घटाने का नियम अच्छा रहेगा। देखो 18 में से 3 गया तो 15 ए बचा। अब यहाँ पर अगले में बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस भी यहाँ पर प्लस प्लस है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो प्लस का प्लस है तो प्लस प्लस का प्लस आ जाएगा, वो 7 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 7 में 6 जोड़ दो आप लोग तो कितने हो जाते हैं 13 ए और बी जी जाए कितने ही आपके पीछे लिखेंगे। और बात यहाँ पर अब यहाँ पे प्लस माइनस, फिर यहाँ भी प्लस माइनस तो क्या होता था घटा ना, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है तो घटा नहीं होगा, तो यहाँ पर किस में से घटाएंगे वो आपको दिखाना है, किस में से घटाने की कोशिश करेंगे अपन लोग, तो देखो बड़ा है इसमें 9 तो माइनस का चिन्ह है बड़ा, तो माइनस में से घटाएंगे छोटे में से थोड़ी घटा पाएंगे, 9 में से 3 गया क्या बचेगा 6, 9 में से 3 गया 6 और ये इसको आप पीछे जाएंगे कहते हैं। अब जी आपका क्या आ गया आंसर, इतना आपको आंसर हो गया। अब जोड़वे के बाद इतना बन गया जी, कितना बन गया इतना कितने 15 ए और 15 ए प्लस के 13 ए बी माइनस के 6 इस बार, तो इतना बन चुका है। आप लोग दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की दोस्तों, राम राम।